इस फिल्म से समझ जाना चाहिए कि अब हमको जो है जग जाना चाहिए, और हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए। स्वधर्मेन धनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते, अर्जुन स्वधर्मेन धनम श्रेया, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से, इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है मिलने का। विवादों से घिरी फिल्म द केरला स्टोरी पटना सहित देश के कई सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही है। मूवी देखकर सिनेमाघर से बाहर निकले दर्शकों ने कहा कि कैसे हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है और उन्हें सीरिया सहित कई देशों में ले जाकर प्रताड़ित करना और बाद में मानव बम बनाया जाता है। बता दें कि यह मूवी दक्षिणी राज्य केरल की करीब 32,000 महिलाओं की कहानी है, जिसमें दावा किया गया है कि महिलाओं को जबरन इस्लाम धर्म में शामिल कर सीरिया भेजा जाता है। वहीं इस मूवी को लेकर एक पत्रकार के सवाल पर बाबा बागेश्वर सरकार ने कहा कि द केरला स्टोरी सत्य आधारित फिल्म बनाई गई है। दुर्भाग्य है कि हम सभी हिंदू सोए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी बहनों को खासकर यह जान लेना चाहिए कि दूसरे धर्म के विचार करने से अपने धर्म में मरना ठीक है, इसलिए दूसरे धर्म और पंथ पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना समुद्र में डाले हुए सिक्कों का भरोसा है मिलने का। मतलब क्या ही बताएं, मतलब अल्टीमेट जो सच्चाई है, मतलब जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये पूरा हिंदुस्तान को पता है कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल तो ममता दीदी को आप जान ही रहे हैं, पूरा बांग्लादेशी सब जितना है सब घुसपैठी सब तो है ही, अब वो लोग तो आप भी मतलब जान ही रहे हैं, जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। मूवी को देखकर आप लोगों ने कितना एंजॉय किया? इसमें एंजॉय क्या कर सकते, ये तो सच्चाई थी, इसमें तो दुख दर्द पीरा है, इसमें आप क्या एंजॉय कर सकते, ये सच्चाई है, ये हिंदुत्व को दबाया जा रहा है, आप ये भी आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, इसमें तो दर्द पूरा दर्द ही दर्द है। आप इस केरला के रहने वाले हैं, जो फिल्म के अंदर आपने देखी क्या वास्तव में रियलिटी वहाँ पे यही स्थिति है? 100% रियलिटी है, 100% इट इज गोइंग ऑन रियल वे एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अटमोस्ट स्टेप टू प्रोटेक्ट दिस एंड इसको बंद करना बहुत जरूरी है, और हिंदुस्तान का सब लोग इकट्ठा इसको दूसरा वेश में मत देखिएगा, इसको देखना है कास्ट पॉलिटिक्स में मत जाइएगा, इसको देखिएगा हमारा राज्य कंट्री को बचाना है, उसी के लिए कोशिश। सर हम लोगों ने जो फिल्म के ऊपर देखा है सर, वैसे लगता है अंदर का जो आत्मा है वो जग गई है। लड़कियों को भारत के जितने भी लड़की हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, बैठी हो, इस मूवी को उनको देखना चाहिए, उनको गार्जियन को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे प्रेजेंट में अभी क्या कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट मार्केट में सर हमने ये फिल्म में देखा है कि अभी ब्रेन वॉश सबसे ज़्यादा चल रही, अभी हमारे मार्केट में अभी चल रहा है जो इस मूवी अब दिखाया गया है, इससे पहले हमारे मार्केट में अभी चल रहा है। हम भी किसी धर्म में जय श्री राम का नारा लगा रहे थे मूवी से देखने के बाद, जब आप बाहर लगाए तो जय श्री राम का उद्घोष क्यों कर रहे थे? सर हमने जय श्री राम के इसमें इसलिए कहे कि उसमें सर इस्लाम धर्म के ऊपर के मैंने प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये यीशु मसीह हो या धर्म तो ये नहीं सिखाता है ना कि किसी को आप खिलाफ हो जाइए, मजहब किसी का ये गलत रास्ता नहीं देखा था, लेकिन इस धर्म में मूवी में दिखाया गया है कि इसमें आप गलत कर रहे हो, इसके लिए इसमें हम लोग इसके खिलाफ हैं, इसलिए हम लोग जय श्री राम लगा रहे हैं। जो हुआ है वो उस मूवी में दिखाया जा रहा, जो हो रहा। तीसरी बात, हम सब हिंदुओं का यह दुर्भाग्य है कि उस मूवी में जो जो बताया गया वो एक एक अक्षर सा सत्य है। जब तक भारत के प्रत्येक मंदिर हिंदुओं को यह शिक्षा नहीं देंगे कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। इस फिल्म से समझ जाना चाहिए कि अब हमको जो है जग जाना चाहिए, और हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए। स्वधर्मेन धनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते, अर्जुन स्वधर्मेन धनम श्रेया, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से, इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है मिलने का।